आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र संरक्षी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। सबसे पहले बात करने कि संरक्षी क्षेत्र कहते किसे हैं। संरक्षी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। ध्यान से सुने, किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे, ठीक। यानी कहीं तक जाएं, चाहे एक रास्ते से जाएं क्षेत्र में, चाहे दूसरे रास्ते से जाएं, कार्य में समान करना पड़े, तभी तो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा और उस स्थिति में वह क्षेत्र कैसा होगा, संरक्षी होगा। इसी को वैकल्पिक रूप से या ऑप्शनल रूप में दूसरे तरह से कह सकते हैं आप कि संरक्षी क्षेत्र में क्या होता है कि जो बंद पथ हो, यानी किसी एक रास्ते से जाएं, दूसरे रास्ते से चले आएँ वापस, जहाँ से चले थे वहीं वापस आ जाएँ, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वह शून्य। या दूसरे शब्द से कह सकते हैं कि जो भी कण इस तरह से गति कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसकी गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ हम विचार करेंगे एक संरक्षित क्षेत्र पर, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र के लिए। तो उस स्थिति में सबसे पहले देखेंगे क्या कि किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना करे। एक वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो निश्चित ही वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, संरक्षित होगा। इसके लिए सपोज करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एक बंद चक्र है ए बी सी डी ए, ए से चला जा रहा है और ए पर वापस आया जा रहा है, एक पथ का अनुसरण कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बी तक, और फिर एक पथ का अनुसरण करते हुए वापस आ रहे हैं, जब से जा रहे हैं तब से आ रहे हैं, जब से गए ए बी, कौन सा मार्ग अपना रहे हैं, ए से बी तक जाने के लिए, बी तक नहीं सी तक जाने के लिए बी के द्वारा, और वापस आ रहे हैं डी के द्वारा। एक बंद चक्र, ठीक, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, एक ही है। अब आगे ध्यान दीजिए, एक आवेश ले लेते हैं इसमें, ठीक, Q को, और बंद पथ ए बी सी डी ए के अंदर ले जाने में कृत कार्य का करते हैं। तो यहाँ मैं तो इसे प्राप्त कर लेना है और विस्थापन भी है, ठीक, या इस पर बात विचार करें। पहले एक आवेश ले लिया हमने Q, और Q को बंद पथ के अंश ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। आवेश Q पथ A B C D A के अनुदिश ले जाने में कार्य W, तो किया गया कार्य, पीछे हमने पढ़ा था विभव की विभवांतर की डिफिनेशन, बी ए माइनस बी बी ए बराबर किसके मिला था, W बाई क्यू जीरो, तो W बराबर यहाँ से ज्ञात किया था तो आया था क्यू जीरो बी ए माइनस बी बी, जहाँ ये क्या था प्रारंभिक बिंदु, बी प्रारंभिक बिंदु था, ये अंतिम बिंदु था। उसी तरह का यहाँ रिलेशन अप्लाई, आवेश कितना हमारे पास Q आवेश ले जा रहा है, क्योंकि वैल्यू हो गई, अंतिम बिंदु कौन सा है A, तो उसका भी मान कर रखेंगे B, प्रारंभिक बिंदु कौन सा वो भी A ही है, यानी A का विभवान कर फिर रखेंगे, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, इसलिए बी ए के स्थान पर भी यहाँ और बी के स्थान पर भी हमें बी ए ही लिखना होगा। अब देखिए, चूंकि दोनों पॉइंट एक ही है इसलिए इनका अंतर विभवांतर सेम होगा और विभवांतर सेम है तो इनका अंतर भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी ए बराबर किसके मिल गया, जीरो, ठीक। तो इस तरह से कार्य जीरो मिल गया। अब आगे विचार करते हैं कि यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, यदि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, और आवेश को एक अनंत सूक्ष्म दूरी पथ के अनुदिश लघु विस्थापन dr या अनंत सूक्ष्म दूरी dr तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तब
आवेश को पत्र के अनुदेश लव विस्थापन डीआर लघ विस्थापन डी आदेश का पथ के अनुदेश लघ विस्थापन डी आर तब बल तो बल है पर आदेश की होता है क्यू ई के यहाँ क्यू है और आदेश का मान क्यू है और वैद्य क्षेत्र की है समुद्र यहाँ एक पॉइंट है ठीक जहाँ वैद्य क्षेत्र कितना ई और विस्थापन आपके अनुदेश से कितना द्रव विस्थापन दिया तो बल F Q E होगा तब Q को विस्थापित करने में बल द्वारा विस्थापित करने में कृत कार्यबल के विरुद्ध अब चूंकि वैद्य क्षेत्र की दिशा में जा रहा है इसलिए बल तो नहीं लगेगा तो बल द्वारा विस्थापित करने में कृत कार्य क्योंकि दूरी अल्प है इसलिए कार्य भी अल्प होगा डी डब्ल्यू कार्य बराबर किसके होता है बल गुणे विस्थापन तो बल की वैल्यू क्यू वी और विस्थापन डी आर है यहाँ आप वेक्टर रूप में लिखेंगे तो ई डॉट डी आर हो जाएगा पिछले वीडियो में देखा था इसको कैसे याद किया इसलिए बल पथ ए बी सी डी ए के अनुदेश फुल कृत कार्य फुल कृत कार्य किसके अनुदेश बंद पथ के अनुदेश ठीक तो इस स्थिति में कुल कृत कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बंद पथ है इसलिए क्लोज इंटीग्रल जब भी बंद की बात आएगी हम क्लोज इंटीग्रल लगाते हैं ठीक पथ यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी ए इसको इंटीग्रेट करेंगे इसी वजह को क्यू ई डॉट डी आर ठीक तो लेकिन डब्ल्यू बराबर अभी देखा इस बंद पथ के अंदर बराबर किसके था जीरो के तो इसी को बराबर किसके लिख सकते हैं जीरो के अब यहाँ से देखें तो Q आउटसाइड आ जाएगा और जो Q आउटसाइड आया कहाँ जाएगा आउटसाइड आ जाएगा और आउटसाइड आ गया तो इस स्थिति में Q इंटीग्रल ए बी सी डी ए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी आर इस पर जीरो या इसी को Q को इधर या जीरो हो जाएगा सर आर क्लोज इंटीग्रल ए बी सी डी तो बंद पथ के अनुदेश देखा आपने कि क्षेत्र कार्य के समाकलन क्या है शून्य तो ये भी एक तरह से प्रतिबंध हो गया वैद्य क्षेत्र के संरक्षी होने का अब इसी को और विस्तृत रूप में लिख सकते हैं छोटे छोटे पार्टों में तो पार्ट एक पथ है आपका ए बी सी जाने वाला पथ है दूसरा सी डी ए आने वाला पथ इसके पदों में लिख सकते हैं ठीक तो यदि इसके पदों में लिखें तो इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रल ए बी सी कहाँ से कहाँ गए ए बी सी यहाँ तक पहुँचे बाकी वैल्यू ए बी डॉट डी आर प्लस का जिम लगाएंगे फिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सी से इतना से पहुँच जाए सी से कहाँ जाएंगे डी ए डी डॉट डी आर इस पर जीरो या क्लोज इंटीग्रल ए बी E dot B dot. इसको बदल लें ऐसे लिख लें ए डी सी जो इसको बदलेंगे इंटीग्रल की जो लिमिट है इसको कहते हैं लिमिट जो हम चेंज करते हैं तुरंत ये निगेटिव हो जाएगा नीचे वाला ऊपर करते हैं ऊपर वाला नीचे तो तुरंत ये ऋण चिन्ह के साथ आ जाता है तो निगेटिव चिन्ह हो जाएगा ई डॉट बी आर इस पर जीरो बदल दिया हमने सी डी ए से ए डी सी लिखा तो तुरंत ये निगेटिव हो जाता है ऋण चिन्ह हो जाता है अब इसको पचहत्तर करके इधर ले जा सकते तो गया इंटीग्रल ई डॉट डी आर इस पर के अनुदेश ए बी सी के अनुदेश यही बराबर किसके मिल जा रहा है इंटीग्रल
ए बी सी ई डॉट डी आर। अब यहां ध्यान यहां विचार करें तो एक इंटीग्रल ई डॉट डी आर है जो किसके पथ के अंदर से ए बी सी के, दूसरा इंटीग्रल किसके है ई ए डॉट ई डॉट डी आर, ये वही ए डी सी, यानी चाहे पथ आप अनुसरण करें ए बी सी या पथ अनुसरण करें ए डी सी, दोनों पथों के अंदर जो इसका रेखीय समाकलन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के रेखीय समाकलन कैसा है, दोनों का समान है, यानी किया गया कार्य क्या होगा समान होगा, और किया गया कार्य समान है तो द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया संरक्षी, यानी किया गया कार्य समान है चाहे मार्ग आप अपने ए बी सी अपनाए या मार्ग ए डी सी अपनाते हैं, दोनों स्थितियों में किया गया कार्य का सेम है आवेश को ले जाने में, यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा, और पथ पर निर्भर नहीं कर रहा तो वैद्युत क्षेत्र कैसा संरक्षित, या इसी को कह सकते हैं कि जो रेखीय समाकलन है वैद्युत क्षेत्र का दोनों मार्गों के एलांग वो दोनों कैसा है सेम, यानी किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, और पथ पर निर्भर नहीं करेगा तो इस स्थिति में सिद्ध हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र कैसा है संरक्षित।